पूरा यदि परमात्मा महावीर को आप फॉलो करते हैं तो भगवान महावीर की वाणी में आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर बात है। तुम्हारे जीवन में समस्या है तो तुम्हारे कर्मोदय के कारण से या रिश्ते के कारण से, और उसके लिए तुम होम हवन ने दरवाजा इधर करन, वो खिड़की उधर करन, वो बेडरूम इधर उधर चेंज करन, किचन चेंज कर। मैं इंदौर में था और एक परिवार जो जुड़ा हुआ था, उनके नए बंगले का काम हुआ है तो मंगल पाठ देने के लिए गए। अभी एक आगे फ्लैट बना हुआ था, एक पीछे फ्लैट बना हुआ था। अब वो आग्नेय कोण में ही होना चाहिए, ईशान कोण में ही होना चाहिए, पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। अब सामने वाली पूर्व दिशा तुम्हारी पूरी कमर हो चुकी है, उजाला ही नहीं है। तुम्हारा उजाला पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा कवर हो चुकी है सामने वाले से। मैंने उनका ये क्या किया, बोले नहीं वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। मेरा पूर्व दिशा का मतलब उजाले का है। अब उधर से अंधेरा ही अंधेरा होता है, वेवा आता ही नहीं होगा, वेंटिलेशन ही नहीं होता होगा तो क्या करेंगे। तुम पकड़ के बैठ गए उसको, बड़े सयाने आते हैं, बहुत सयाने मिलते हैं मुझे तो, और मैं उनके अच्छे मजा लेता हूँ, बहुत अच्छे तरह से मजा लेता हूँ। इंदौर में ही हमारे टीसी जैन ने एक हैदराबाद से किसी जानकार को बुलाया और उसने कहा कि मैं घर को देखता हूँ और घर में जो पेड़ पौधे रहते हैं उसके आधार से तय करता हूँ कि ऊर्जा का स्रोत किधर है। मैंने कहा भैया पेड़ का तो झुकाव के जिधर सूरज होगा उधर हो जाएगा, बाकी तो कोई ऊर्जा का स्रोत उसका है नहीं। ये इस प्रकार का इतना मिथ्या भ्रम फैला के रखा है, इतनी भोंदूगिरी चलती है कि पूछो मत, और चलते रहता है खेल, खेल चलते रहता है, खेल चलते यार। रोज एक एक नई देवी तैयार होती रहती है। अब कोरोना देवी का कहीं मंदिर भी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये सारे मनुष्य उपदेश यदि आप देखोगे, खुली आंख से देखोगे, यदि समाज में ये मिसगाइड करने वाले लोग नहीं रहे। अब कोई कहे कि सिमंदर स्वामी की वाणी यहां आती है तुम उसको मानते होंगे तो सारे आगम पर फालतू हो गए, फिर तो बड़ा आसान काम हो गया। ये मिसगाइड कि इसकी वाणी परमात्मा की वाणी क्या बोल रहे हो। ये सारा मिसगाइड करना समाज को पता नहीं कहां ले जाएंगे समाज को लोग। ये मूर्छा उपदेश, ये दिशा भ्रमित करने वाला उपदेश, और केवल एक ही क्षेत्र में सारे क्षेत्र में चल रहा है, हर क्षेत्र में चल रहा है। राजनीति ले लो, घर नीति ले लो, अर्थनीति ले लो, धर्म में देखो, जहां देखो वहां। और यही तो सवाल पूछा था कैसे श्रवण ने इंद्रभूति गौतम से, सभी उमग पट्टी। इतने सारे लोग रास्ते बताने वाले हैं, तुम सही रास्ते पर कैसे चल रहे हो, तुम भ्रमित कैसे नहीं हो गए। सारे लोग अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, तुम भ्रमित कैसे नहीं हो गए। और इंद्रभूति गौतम सिंपल उपदेश दिया, मैं जानता हूं बोले, मैंने उस गुरु को चुन लिया है, मैंने उस परमात्मा को चुन लिया, मैंने उस वाणी को चुन लिया है और मुझे पता चल गया कि बाकी सारा उन्मार्ग है, इसलिए मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। बहुत सारी कहानियां आती है आगम के पन्ने में। आराध्य कुमार जब चला वहां से तो रास्ते में बहुत भ्रमित करने वाले उसको मिलते गए, लेकिन वो पक्का था, कोई भ्रमित नहीं कर पाया। तो भ्रमित करना दूसरे को, ये भ्रमित करने का वाला व्यक्ति पता नहीं दूसरों का कितना नुकसान करता है, स्वयं के लिए कितना भयानक रास्ता बनाता है। तुम्हारे पास बोध नहीं, ज्ञान नहीं तो स्वीकार कर लो कि नहीं है।
गलत रास्ते पर क्यों ले जाते हो? कोई जरूरी है क्या गलत सलाह देने? बात अब जो जिस क्षेत्र का जानकार है उसकी बात वहां से लो ना। यदि मन में अशांति तो उसका इलाज धर्म है, लेकिन तुम सोचते होंगे कि नौकर मंत्र गिनने के कारण से तुमको पैसे मिल जाएंगे तो फिर तो कोई उद्योग करने की जरूरत ही नहीं है। ये यंत्र रख लेन, वो तंत्र रख लेन, वो मंत्र कर लेन, ये पूजा कर लेन, उसके कारण से तेरी दुकान चलेगी तो फिर सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के सोचोगे तो पता चल जाएगा। एप्पल ने कहो कि चाइना ने कहो कि किसी ने भी कहो, कौन सी देवी की, कौन सी लक्ष्मी देवी की पूजा करें, कौन से उनके पास यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है? ओनली पावरफुल टेक्नोलॉजी, रियल टेक्नोलॉजी, और रियल टेक्नोलॉजी के बल पर वो आराम से डेवलप हो जाते हैं। और यहां तो पूछो मत, मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा तो आपको भी, आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। कार को मंगल पाठ है ना, कार की पूजा। अब कार की पूजा करके क्या करोगे तुम? उस कार में कोई अक्कल है? कार में कोई सेंस है? लेकिन देखिए, अब मैक्सिमम ये जो ऑटोमोबाइल के शोरूम चलाते हैं उन्होंने भी लोगों की भावना का उपयोग करते हुए वहां ब्राह्मण बैठा रखे हैं। वो तीर्थ शिष्य मां सब जानकारी दे रहे कि चेन्नई में एक बॉडीगार्ड देवता है, पता नहीं कहां कहां और कहां अपनी एनर्जी लग रही। इसलिए भगवान महावीर ने दूसरे व्रत के अतिचार में कहा मूर्छा उपदेश, झूठा उपदेश नहीं देना, मिस गाइड नहीं करना किसी को। और आप यदि इस बात पर सोच रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मिस गाइड करने वाले की दुकानें बंद हो जाए ना तो समाज तो यूं ही सही रास्ते पर चल पड़ेगा। कोई जरूरत ही नहीं उसको समझाने की कि आदमी के पास कॉमन सेंस है। बस एक छोटी सी कहानी कह देता हूं, बड़े मजेदार कहानी बहुत बार सुनाते रहता हूं। गधा दिन भर चल रहा था, जंगल में भटक गया, रात को अंधेरा हो गया तो अंधेरे के कारण से देख नहीं रहा था गधे को, तो ठोकर खाता था, कहीं गड्ढे में गिरता था, कहीं कांटे चुभते थे तो चीखता था, रेखता था। एक पेड़ के डाल पर उल्लू बैठा हुआ था और उल्लू ने कहा गधे चाचा क्यों रो रहे हो? बोले यार अंधेरा है, दिखता नहीं है। बोले कहां अंधेरा है, सब बराबर दिख रहा है, सब व्यवस्थित दिखता है। बोले तो गधे ने उससे उल्लू से प्रार्थना करी कि जरा मुझे तुम रास्ता बता दो, और उल्लू आकर के एक गधे के सिर पर बैठ गया और गधे को गाइडेंस देने लगा, और गधे को ठोकर लगनी बंद हो गई। रास्ता बराबर चल रहा था, रात भर चलते 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 रात पूरी हो गई, सूर्योदय होने के बिना सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय होने के बाद गधे को दिखने लग गया, लेकिन गधे को दिखने के बावजूद भी गधा उल्लू को ही पूछता है किधर चलो। अब उल्लू को दिखना बंद हो गया है, लेकिन वो गुरु बनने का जो अहंकार है ना उसको दिखता नहीं, तो भी वो कहता है इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल। अब सामने गड्ढा, गधे को गड्ढा दिख रहा है, और उसने उल्लू से पूछा कि आगे गड्ढा है? बोले कोई गड्ढा नहीं, आगे कोई गड्ढा नहीं। बोले कोई गड्ढा नहीं तो चल रहा जा। बोले गधे ने कहा कमाल हो गई, गड्ढा दिख रहा है, लेकिन उसके मन में श्रद्धा बैठ गई थी कि रात के अंधेरे में जिसको दिखता है उस उजाले में दिखेगा दिखेगा, और चला गया गड्ढे में, पड़ गया, मर गया, बिगड़ गया। पता नहीं तुम्हारे सिर पर कितने उल्लू बैठे हुए हैं, वहां तो एक उल्लू गधे के सिर पर बैठा है तो गड्ढे में गिर गया। यहां तो हमने कितने उल्लुओं को अपने सिर पर बैठाया है पता ही नहीं चलता है, और अपने को दिखता है, अपने को समझता है, बिल्कुल सिंपल बात में समझता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती बोलने की, डर लगता है, डर लगता है। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने नहीं कहा कि यहां अरिहंत की वाणी आती? गुरुदेव ने नहीं फरमाया अरिहंत की वाणी आती है?
आचार्य हेमचंद्र ने नहीं कहा, सिद्धर्शन दिवाकर ने नहीं कहा, स्वयं भव स्वामी ने नहीं कहा, और आप कहते हैं और कोई कोई बोलता नहीं है। ये सारे मूर्छा उपदेश है, ये झूठे उपदेश है। एक श्रावक को भी मिसगाइड करने का मना है, वो उसके सत्य के व्रत का वो अत्याचार है, अत्याचार दुराचार है। जागो, समझो इस बात को, ये मूर्छा उपदेश एक अत्याचार है। कहीं पर भी भ्रमित मत करो, स्वीकार करो कि मैं इस बात में नहीं जानता हूं। और यदि स्वीकार कर लोगे तो आपके कम से कम ज्ञान जानने के दरवाजे खुलेंगे। अज्ञान को स्वीकार करोगे तो ज्ञान प्राप्ति का रास्ता खुलेगा, और अज्ञान को ही ज्ञान समझ करके रह गए तो ज्ञान प्राप्ति का रास्ता ही समाप्त हो गया। अरे स्वेलिंग आई है शरीर पर और तुम समझो कि मेरी बॉडी सुधरी है तो ट्रीटमेंट होने की संभावना ही समाप्त हो गई, ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगी। स्वेलिंग आई है, स्वेलिंग में वो शरीर बिल्कुल मोटा दिखता है, और आप समझो कि मेरी बॉडी सुधर रही है तो कल्याणकारी है। तो स्वेलिंग स्वेलिंग है, लेकिन स्वेलिंग ने किसको मांगा कि मेरी बॉडी सुधर रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट होनी मुश्किल है। बीमारी से दूर होने के लिए पहले बीमारी को बीमारी के रूप में स्वीकार करना होता है। जो बीमारी को बीमारी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है उसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता है। जमाने की ट्रीटमेंट भगवान महावीर नहीं कर पाए, इंद्रभूति की ट्रीटमेंट हो गई कि इंद्रभूति अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, लेकिन अज्ञान को स्वीकार नहीं करता तो अपने अज्ञान को ज्ञान मान करके बैठा हुआ है। और अज्ञान को ज्ञान मान करके बैठोगे तो स्वयं का ही नुकसान तो होगा ही, लेकिन उस अज्ञान को लोगों के सामने ज्ञान के नाम से परोसोगे तो पता नहीं पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है। और इस पीढ़ी बर्बाद के पीछे पता नहीं कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दूसरे व्रत का जो एक अत्याचार है, बड़ा महत्वपूर्ण अत्याचार है, मूर्छा उपदेश नहीं देना, झूठा उपदेश नहीं देना। नहीं समझता है, ओके, नहीं मुझे नहीं समझता है। आते हैं कई लोग, आप लोगों की आदत बिगड़ी हुई इसलिए लाते रहते कई लोग, कहते हमारे सब जन्म पत्र। मैंने कहा भाई मुझे जन्म पत्र को समझता ही नहीं, सब मैंने मुझे समझता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। अब नहीं समझता तो नहीं समझता, उसमें मैं क्या करूं, मुझे नहीं उसका ज्ञान। अपना अज्ञान स्वीकार करने में दिक्कत क्या है, मेरे पास नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम है कहते हो, नहीं है तो नहीं कहते हो, काहे को झूठी शान बगाड़ने ज्ञान के मामले में। अरे मिथ्या भ्रम, इसलिए इससे बाज आ जाओ, झूठी साक्ष्य नहीं देना, किसी झूठ का साक्षीदार नहीं बनना है, विटनेस नहीं बनना है, अनुमोदन नहीं करना है। तुम्हारी साक्ष्य के कारण से झूठ पनपता है, इसलिए झूठी के साक्ष्य नहीं देना है। अपने घर में, अपने संघ में, अपने समाज में कैसा माहौल बनाओ, स्वीकार करो कि हम छद्मस्त हैं, और छद्मस्त के पास ये जो आगम की वाणी है वही एक प्रमाण है। उस सिद्धांत में जो संकेत दिए वो संकेत के आधार पर चले, वो आगम है आपके पास। उस आगम बाह्य बात को क्यों स्वीकार करते हैं आप लोग, वो सर्वज्ञ की वाणी है, उस सिद्धांत को स्वीकार करिए। तमेव सत्यम जम जिन हिम पवीयम, उसे इधर उधर जाओगे तो मिथ्यात्व की यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। ध्यान में रखिए बंधु,
भगवान महावीर की आत्मा मरीचि के रूप में, भरत के बेटे के रूप में, भरत राजा चक्रवर्ती के बेटे के रूप में, भगवान ऋषभदेव के पोते के रूप में, और भगवान ऋषभदेव के पास उसने दीक्षा ली, भगवान ऋषभदेव के पास उसने साधना शुरू करी, और आगे जाकर के उसके मन में कुछ कमजोरी आ गई, लेकिन परमात्मा के प्रति भक्ति भक्ति थी। वो जानता था कि रास्ता परमात्मा का ही सही है। उसने रास्ता चेंज किया स्वयं के लिए, लेकिन आस्था उसकी परमात्मा के रास्ते पर ही थी। वो स्वयं दूसरे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन लोगों को परमात्मा के रास्ते पर भेजता था। वो नहीं कहता कि मेरे पीछे चलो, किसको पता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं मेरे कमजोरी के कारण से चल रहा हूं, मेरी वीकनेस है कि मैं परमात्मा के रास्ते पर चल नहीं पा रहा हूं। इतना वो प्रामाणिक था। जो भी उसके पास आता तो उसको परमात्मा का ही रास्ता बताता, परमात्मा के पास ही भेजता। कभी उसने नहीं कहा कि नहीं मैं सत्य हूं, लेकिन एक उसके जिंदगी में ऐसा प्रसंग आ गया। उसका नाम था कपिल राजकुमार, और उसने मरीचि से उपदेश सुन करके वो गया भगवान ऋषभदेव के धर्म संघ के पास, लेकिन पता नहीं उसके मन में कोई जचे नहीं बात, और बात जचे नहीं, वो वापस मरीचि के पास आए, और मरीचि को उसने एक छोटा सा सवाल पूछा, तुम कहते हो वहां धर्म है, तुम्हारे पास धर्म नहीं क्या, तुम कौन से मार्ग पर हो? एक विकट सवाल था, मन में लोभ जन्म चुका था, और मरीचि ने एक छोटा सा वाक्य बोला, इत्थम पि तयैव, जैसा धर्म वहां पर है वैसा धर्म यहां पर भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।